रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ अजय कुमार रजक का विदाई एवं नए बीडीओ संतोष कुमार का सम्मान समारोह कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख जलेश्वर महतो और कार्यक्रम का संचालक मनरेगा बीपीओ कामाख्या कुमार ने किया। प्रमुख जलेश्वर महतो ने कहा, प्रखंड विकास प्राधिकारी अजय कुमार रजक कुशल और नेक विचार के व्यक्ति हैं, जिन्होंने 11 महीने में दिल जीतने का काम किया है और इनका काम करने का तरीका इन्हें बहुत आगे तक ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नए वीडियो के रूप में संतोष कुमार ने खबर 365 न्यूज के संवाददाता अशफाक अहमद से बात करते हुए कहा कि माता का आशीर्वाद से ही माता का क्षेत्र में आया हूँ। प्रखंड विकास प्राधिकारी के रूप में तो सभी काम करते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य है विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना, बिचौलियों को दरकिनार कर लाभुकों से सीधा संबंध रखना। यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि से संबंधित हर योजनाओं को प्रत्येक परिवार को आच्छादित कर लाभ मिल सके, चाहे वह छोटा योजना हो या बड़ा, हर घर लाभान्वित हो, यही प्रयास मेरा रहेगा। इस मौके पर प्रखंड और अंचल के दर्जनों कर्मचारी शामिल थे। खबर 365 न्यूज के लिए गोला रामगढ़ से अशफाक अहमद की रिपोर्ट। आप हैं कि हम भी तो लगा के लेकिन सर जा रहे हैं, सही है, दुखद है, लेकिन ऐसे सदर के प्रखंड का अधिकारी बन के जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जैसा हमारे प्रधान सहायक महोदय बोले कि उम्मीद करते हैं कि निकट भविष्य में SDO रामगढ़ बन के आएंगे, अगर SDO नहीं तो कम से कम DTO साहब या जो भी हैं बड़ी पदाधिकारी बन के पूरा रामगढ़ जिला में आए, कि हमारे भी दिली इच्छा है, आकांक्षा है और ये जल्दी पूरा होगा। आज 11 महीने का मेरा आज मैंने पूरा किया, 7 तारीख को मैंने चार्ज दिया। गोला प्रखंड बहुत अच्छा प्रखंड है, यहाँ काम करने का बहुत स्कोप है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, कर्मी पदाधिकारी जो भी यहाँ पदस्थापित है वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं, टीम नेतृत्व अगर अच्छा से उससे काम लेनी जानती है। मिनिमम संसाधन में हम लोगों ने अच्छा काम किया। गोला मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ कृषि के क्षेत्र में जो काम हुआ, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे मनरेगा, अन्य योजनाएं, कोविड के समय में हम लोगों ने काफ़ी पूरे कर्मियों ने काफ़ी सहयोग करके काम किया, मतलब ग्रेट अचीवमेंट रहा मेरे लिए और मैं यहाँ बहुत काम को अपना एंजॉय किया, मज़ा आया मुझे। आज समारोह है, इनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा है और बहुत कम समय तक हम लोग साथ काम कर सके, इसका खेद है। सरकार का नियम है, स्थानांतरण होता ही रहता है, मैं इनके लिए कामना करूँ कि ये आगे बढ़े, प्रमोशन से अच्छे पदाधिकारी बने। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।